दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया बेहद अजीब है, जहां कई तरह के हैरान कर देने वाले तथ्य होते हैं जो कई सवाल भी खड़े करते हैं। जैसे आज का हमारा ये सवाल, जिसका जवाब भी काफ़ी हैरान कर देने वाला है। जब भी आप किसी अंडे को देखते हैं तो पहले उसको खाने की जगह सोच क्या होती है कि अंडे के अंदर जो चूजा होता है वो बिना हवा यानी ऑक्सीजन के सांस कैसे लेता है और ज़िंदा कैसे रहता है। तो आज हम आपको इसके बारे में बड़ी ही दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। दरअसल वास्तव में अंडे के अंदर अपनी ही एक दुनिया होती है, जिसके अंदर पलने वाले चूजे के लिए खाने की व्यवस्था तो होती है, साथ ही उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम भी होते हैं। लेकिन अंडों के साथ एक और खासियत और जुड़ी है, इनमें भ्रूण के विकास के लिए एक ख़ास तरह के तपाम की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि पक्षी अपने अंडों को सेने के दौरान अपने शरीर की गर्मी उनको देते हैं। कई मुर्गी पालन केंद्रों में जहां पर सैकड़ों की संख्या में अंडों में से चूजे निकालने का कारोबार होता है, वहां अंडे सेने के लिए मुर्गी की जगह इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर किसा अंडे को देखें तो इसमें जैसा कुछ नज़र नहीं आता जिससे उसके अंदर किसी तरह की हवा जाती हो और अंदर पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन की मदद से सांस लेने का काम कर रहा हो। खास बात यह है कि अंडा बाहर भी काफ़ी सड़क होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडे के कड़े बाहरी खोल में भी इस बात का राज छिपा है। दरअसल अंडे का कड़ा खोल जो अंदर के भ्रूण और उसके खाने की बाहरी खतरों से सुरक्षा देता है। आम तौर पर देखा जाए तो अंडा बाहरी आवरण चिकना और कड़ा नज़र आता है, लेकिन इसमें हजारों की तादाद में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों के जरिए ही भ्रूण को सांस लेने के लिए हवा देता है और बाहर छोड़ता भी है। अगर अंडे के खोल का ग्रीज या कोई क्रीम चुपड़कर इन केंद्रों को बंद कर दिया जाए तो भ्रूण का विकास वहीं रुक जाएगा और वो बढ़ नहीं पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अंडे के अंदर क्या है। अंडे में एक तो तरल पारदर्शक पदार्थ भरा होता है, यह पारदर्शक तरल पदार्थ एल्बिनी होता है। एल्बिनी भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाता है और उसकी सुरक्षा करती है। एल्बुनिम एक तरह का प्रोटीन का काम करती है जो अंडे में पल रहे भ्रूण का पोषण नहीं करता बल्कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है और गर्म करने पर यह ठोस में बदल जाता है। इस तरल के साथ ही पीले रंग की एक गोलाकार रचना भी दिखाई देती है, इसे योक कहते हैं। आप योक को थोड़ा और गौर से देखेंगे तो योक पर एक सफ़ेद रंग का धब्बा दिखेगा। दरअसल यही भ्रूण है और इसी से चूजा बनता है। खास बात यह है कि अंडे में योक ही काफ़ी अहम रोल निभाता है। योक में प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और लवण जैसे कई प्रकार के पोषक पदार्थ भरे होते हैं। योक ही अंडे में विकास हो रहे भ्रूण के लिए पोषक उपलब्ध करवाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हवा की थैली। कवच के अंदर सटी हुई एक सफ़ेद रंग की झिल्ली होती है। पहली नज़र में यह झिल्ली एक ही लगती है, लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर हमें समझ में आता है कि यहाँ दो झिल्लियाँ आपस में चिपकी हुई हैं। इन्हें आप बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली भी कह सकते हैं। अंडे के चौड़े सिरे की ओर हवा की थैली होती है। इसी थैली के जरिए अंडे के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। अगर हम मुर्गी के द्वारा सिए जा रहे अंडे को फोड़कर देखें तो चौड़े सिरे पर इस हवा की थैली की झिल्ली पर काफ़ी सारी खून की नलियां फैली दिखाई देती हैं। जाहिर है कि भ्रूण इन नलियों के जरिए ही सांस के लिए ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।
यह हवा की थैली बाहरी और भीतरी झिल्ली के बीच होती है। और बता दें कि अंडे के ऊपर का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अंडे में छेद हवा की आवाजाही। आपने ये देखा होगा कि जीव जमीन पर अपने अंडे देते हैं, उनके अंडों का कवच कठोर होता है। जहां यह कवच बाहरी खतरों से उनको सुरक्षा देता है, वहीं इसके जरिए हवा का आना जाना संभव हो पाता है। इस कवच में खूब सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इनकी संख्या लगभग 10,000 से भी ज़्यादा होती है और हर एक छिद्र का साइज लगभग 0.017 मिमी होता है। आमतौर पर अंडे के कवच का क्षेत्रफल लगभग 70 वर्ग सेमीमीटर होता है, इसलिए उस पर हर वर्ग मिलीमीटर पर 1.5 छिद्र पर जाते हैं। इन सब छिद्रों को मिलाकर हवा की आवाजाही के लिए लगभग 2 से 3 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल मिलता है। भ्रूण और बाहरी वातावरण में इन्हीं छिद्रों से गैस का आदान प्रदान विसरण के मार्फत होता है। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दें। और लेटेस्ट जीके से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ।